रियाला साहब से बात की इस मामले पे, फिर आज असेंबली में भी और आज कमेटी में भी आए हैं और अभी आपके दरमियान बैठ कर भी उन्होंने ये बात की कि हम आपकी बात करेंगे। ये यकीनन हमें यकीन है कि इंजीनियर साहब हमारे मसाइल को अपने मसाइल समझ के इसको आगे ले जाएंगे। वो इस हवाले से कि इनका ताल्लुक भी जिन लोगों से है, हम समझते हैं कि वो लोग, उनके नज़रियात, उनका फिक्र, उनका जो सोच है वो गरीब लोगों के लिए है। उनका जो फिक्र है वो बादशाह खान का जो फिक्र है वो फिक्र यकीनन हमारे ही लिए था। तो हमें यकीन है कि वो हमारे इस मामले को, इस मसले को वो यकीनन आगे ले जाएंगे, हमारी मदद करेंगे कमेटी में। मैं अपने पूरे तंजीम की जानिब से इनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और उम्मीद भी रखता हूँ कि आगे कमेटी में भी ये हमारे साथ भरपूर मदद करेंगे। अच्छा, वो परसों इजलास में मैंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर भी आपकी बात की है, नहीं पैगाम पहुंचा, हम सब दोस्तों को पैगाम इंतजाम का मैंने बात की, आप थे नहीं थे, और मैं पूरी कमेटी की नुमाइंदगी से आपके पास आऊँ, मैं सबके दोस्तों की नुमाइंदगी करके मौलाना साहब की तरफ से, नवाब साहब की तरफ से, आप मुझे मतलब अपनी तरफ से समझे कि मैं खुद अपनी तरफ से नहीं कि सिर्फ मैं खुद मैं अकेला नुमाइंदगी, उन सबकी नुमाइंदगी आप समझो, आप आपके साथ बैठे, ठीक है।